स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। आज एक ऐसे इंसेक्ट को देखेंगे जो इनके सुरीले आवाज़ के लिए जाना जाता है। बहुत मधुर होती है, कई बार ज़ोरदार होती है, लेकिन ये इसी वजह से पॉपुलर है। ग्रास हॉपर की तरह दिखाई देते हैं और इनको हिंदी में झिंगूर कहा जाता है, इंग्लिश में क्रिकेट कहा जाता है। तो आज इसी इंसेक्ट को देखेंगे और समझेंगे इनके बारे में कुछ। अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको इसकी जम्स भी देखने मिलेगी। वीडियो का उद्देश्य है इन झिंगूर को डॉक्यूमेंट करना, झिंगूर की इस प्रजाति को। और जो आप बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन रहे होंगे, मैं आपको बता दूं कि ये इस स्पेसिमेन का नहीं है, यानी कि जो मेरे पास जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आवाज़ नहीं कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये फीमेल है और सिर्फ मेल क्रिकेट ही आवाज़ करते हैं अपने विंग की मदद से, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, मैंने सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड किया है क्रिकेट्स का, ताकि एक आइडिया आए हमको ये कैसा आवाज़ करते हैं। और आपने भी इनको कई बार अपने घरों में आते हुए देखा होगा। अगर आपका घर भी आसपास झाड़ियाँ है, घास है, तो वहाँ से ये लाइट की वजह से रात को हमारे घरों में भी आ जाते हैं। तो इन हाउस क्रिकेट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये कॉमन इंसेक्ट है और घरों में भी आ जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे। अगर मैं स्पीसीज की बात करूँ जो मुझे मिला है, तो ये या तो अचेता डोमेस्टिकस हो सकता है, जिसको हाउस क्रिकेट बोलते हैं, या फिर ये फील्ड क्रिकेट हो सकता है। तो स्पीसीज लेवल पर जो आइडेंटिफिकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कौन सी प्रजाति का झिंगूर है। मैंने कहा कि ये हाउस क्रिकेट हो सकता है, फील्ड क्रिकेट हो सकता है, और एक आता है मोल क्रिकेट। तो इस प्रकार से कुछ इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है, जिनसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अगर हम इनके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को देखें, तो ये ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा के अंदर आते हैं, और फैमिली जो होती है ट्रू क्रिकेट्स की, उसको ग्रिलिडे कहा जाता है। तो आज हम ग्रिलिडे इंसेक्ट्स को ही देखने वाले हैं, जिनको झिंगूर कहा जाता है। ये जो फील्ड क्रिकेट्स होते हैं, ये स्प्रिंग में हैच होते हैं, और जो यंग क्रिकेट जिसको निम्फ कहा जाता है, वो तेज़ी से खा करके ग्रो होता है, और ये कई बार अपने स्किन को शेड करते हैं, कई तकरीबन 8 से ज़्यादा बार, और एडल्ट बन जाते हैं। फील्ड क्रिकेट्स ब्रॉड रेंज ऑफ फूड को खाते हैं, इनकी डाइट बहुत वेरीड होती है, जिसमें ये इनकी डाइट को हम ओमनिवरस डाइट बोलेंगे, क्योंकि ये फूड यानी प्लांट मटेरियल और एनिमल, छोटे इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, डेड इंसेक्ट्स को खाते हैं, ये इनकी डाइट होती है। अगर मैं एक बात सर्टेनिटी से कह सकता हूँ इस स्पेसिमेन को देख करके, कि ये फीमेल है, वो इसलिए कि मेल में ओविपोजिटर नहीं होता है, और यहाँ पर इस स्पेसिमेन में मुझे एक ओविपोजिटर देखने मिल रहा है, जिसकी मदद से फीमेल जो है अंडे डिपॉजिट करती है। तो ये फीमेल है। और क्रिकेट्स की बात करूँ तो भारत में ही 1000 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है, और इनकी पीक एक्टिविटी जो होती है फील्ड क्रिकेट की बात करें तो समर महीने में, यानी कि मार्च से मई के बीच में बहुत ज़्यादा होती है। और ये कॉलिंग एक्टिविटी होती है, जिसमें आपने इनकी आवाज़ को सुना होगा, रात के समय पे, दिन के समय में भी होता है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट इनकी कॉलिंग होती है। ये जो आवाज़ निकालते हैं अपने विंग के मदद से, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ये एक्टिव होते हैं और आवाज़ निकालते हैं। ठंडी में इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, जो कॉलिंग एक्टिविटी है होती है वो। क्रिकेट्स प्रेफर करते हैं 9 से 12 के बीच का टाइम रात में। और क्योंकि मैं आपको इनके जंप्स भी दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये जंप करते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका जो हिंड लेग होता है वो मॉडिफाई हो चुका है, जिनकी मदद से ये जंपिंग कर पाते हैं। और इनमें एक थिन एंटीना होता है, 3 जॉइंटेड टर्सल होते हैं, जिसको फूट सेगमेंट्स कहा जाता है। और जो भी इसकी एनाटॉमी है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। जो फोरविंग्स होते हैं बहुत स्टिफ होते हैं, लेदरी होते हैं, और इसका इस्तेमाल ये करते हैं उड़ने के लिए भी और आवाज़ निकालने के लिए भी। ये जो मेल अट्रैक्टिव सुंदर आवाज़ निकालता है, मधुर आवाज़, चर्पिंग साउंड होता है इनमें, वो उनके विंग्स के रैपिड मूवमेंट की वजह से होता है, जो कि अगर फील्ड क्रिकेट की बात करें तो वो अपने बरो के
ये सारे जो क्रिकेट्स होते हैं फील्ड क्रिकेट, ये मट्टी में आप छेद करके बरो बना करके रहते हैं, और डोर के पास, उस बरो के एंट्रेंस के पास बैठ करके ये चर्पिंग करते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मोस्टली जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कोर्टिंग के लिए होता है, फीमेल पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, लेकिन ये दूसरे मेल्स को टेरिटरी दर्शाने के लिए भी होता है कि ये मेरी टेरिटरी है और ये दूसरे मेल्स यहाँ पर ना आए। तो इस प्रकार से भी साउंड का इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ मेल क्रिकेट जो होते हैं वो ही चर्प करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, और ये होता है एक प्रोसेस की मदद से जिसको स्ट्रीडुलेशन कहा जाता है, स्ट्राइडुलेशन, स्ट्रीडुलेशन, जिसमें क्या होता है, ये अपने फ्रंट विंग, आगे के जो पंख होते हैं उसको रब करते हैं एक दूसरे के साथ, एजेस को, और फीमेल मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और दूसरे कई कारणों से ये आवाज़ निकालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिन में जब ये चर्प करते हैं तो वो मेटिंग को अट्रैक्ट करने के लिए, फीमेल पार्टनर्स को, और रात में करते हैं दूसरे पोटेंशियल थ्रेट्स को दूर रखने के लिए। जितना ज़्यादा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जितना तापमान ज़्यादा होगा ये चर्पिंग ज़्यादा होगी और ठंडी के मौसम में कम होगी। अगर हम इस प्रोसेस को और डीपली समझना चाहते हैं तो स्ट्राइडुलेशन जो है ये इफेक्टिवली तभी काम करेगा अगर क्रिकेट के पास जो दो स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मौजूद हो, और वो जिसको एक स्क्रेपर कहा जाता है और एक फाइल कहा जाता है, ये मौजूद होते हैं फ्रंट विंग्स में इंसेक्ट के। और फाइल, एक पंख में फाइल होता है, दूसरे में स्क्रेपर होता है, और इस कॉल को जनरेट करने के लिए स्क्रेपर जो है वो फाइल पर स्ट्राइक करता है बार बार, रिपीटेडली, और उस पे जो तीत मौजूद होते हैं उसकी मदद से वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस होता है। हर एक स्ट्राइक के साथ जब जो स्क्रेपर फाइल पे मारता है उससे एक सिंगल पल्स प्रोड्यूस होता है। इस प्रकार से कंटिन्यूअसली करने पर एक रिपीटेड कॉल्स हमको सुनाई देते हैं। ये प्लांट मैटर को तो खाते ही है, लेकिन कुशल शिकारी होते हैं, डेड डेड इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, जो इनके पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं उनको भी ये खा लेते हैं। कई बार रिपोर्ट किया गया है कि ये कैनिबलिस्टिक भी होते हैं, और कोई नुकसान प्लांट्स को नहीं पहुंचाते। साथ ही में कई बार अगर आप देखोगे तो ये कपड़ों पर भी फीड करते हैं। जी हाँ, जो कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उन पर भी इनको फीड करते देखा जाता है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये रिलेटेड होते हैं ग्रास हॉपर से, केटिड से, जो ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा के अंदर ही आते हैं। अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें इनके बारे में शेयर करूं तो इनको चाइनीज कल्चर में एक फेवरेट पास टाइम के तौर पर यूज किया जाता है, जहां पर चाइनीज लोग जो होते हैं वो मेल क्रिकेट्स की फाइट को देखना पसंद करते हैं एज अ पास टाइम। और बैट्स भी लगाए जाते हैं, जो प्राइज्ड फाइटर होता है उनको डेकोरेटेड ऑर्नेट केजेस में रखा जाता है। तो एक पॉपुलर वहाँ पर एक चीज़ है यहाँ पर। और दूसरी बात कि इन इंसेक्ट्स को, आपको पता होगा कई देशों में इंसेक्ट्स को खाया जाता है, तो क्रिकेट्स भी एक पॉपुलर डाइट है कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि थाईलैंड में, तो इनको फ्राई करके, पका करके खाया भी जाता है। एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं ये, और इनको फिश बेट के तौर पर, यानी मछली पकड़ने का चारा भी इनसे ही बनाया जाता है। तो ऐसा सारा है, ये था आज का हमारा इंसेक्ट झिंगुर।